इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसकी पिछली वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जहां से कहानी को छोड़ा था, हम इस वीडियो में वहीं से कहानी को शुरू करेंगे। अगर आपको पिछली वीडियो का लिंक चाहिए तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आया होगा, आप वहां से जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अब गुल्ली बुल्ली और शौन तीनों लंगोट बाबा के पास जाते हैं। लंगोट बाबा गाँव के बाहर एक कुटिया में बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर गुल्ली बुल्ली और शौन की जीप रुकती है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली मुझे लगता है यही है द लंगोट बाबा, चलो इनसे पूछते हैं मुनचुआ के बारे में। तभी शौन कहता है कि मुझे नहीं जाना, तुम लोग बात करके आओ, अगर मैं आऊँगा तो मेरी पैंट डर के मारे वहीं गीली हो जाएगी। तभी बुल्ली कहता है, ठीक है शौन तुम यहीं रुको। अब गुल्ली बुल्ली दोनों बाबा के पास जाते हैं और बाबा से मुनचुआ के बारे में पूछते हैं, बाबा हमें ये मुनचुआ कहाँ मिलेगा। बाबा मुनचुआ का नाम सुनकर थोड़ा घबरा गए और बोले कि क्या हुआ, मुनचुआ के बारे में क्यों पूछ रहे हो, उसका तो नाम भी लेना खुद की मौत को ही दावत देना है, वो भेड़िया बहुत खतरनाक है, वो धीरे धीरे करके सबको मार देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा वो, और तुम लोग अपनी ही मौत को क्यों दावत दे रहे हो, चले जाओ यहाँ से। तो बुल्ली कहता है, बाबा मुनचुआ ने हमारे दोस्त शौन का मुंह नोच लिया और हम इसलिए मुनचुआ को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें उससे इसका बदला लेना है। बाबा घबराते हुए बोले कि अगर तुम्हारे दोस्त का मुंह मुनचुआ ने नोच लिया तो मेरे से मुनचुआ के बारे में क्यों पूछने आए हो, क्योंकि अब ये तुम्हारा दोस्त खुद ब खुद रास्ता बता देगा और मुनचुआ को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अभी बच्चे हो, चले जाओ यहाँ से, अपनी जिंदगी प्यारी है तू। ऐसा सुनकर गुल्ली बुल्ली चौंक गए और पूछने लगे कि बाबा ऐसे कैसे हो सकता है। बाबा बोलते हैं, मुनचुआ जिसका भी मुंह नोचता है वो इंसान एक दिन के अंदर जॉम्बी बन जाता है और बहुत सारे जॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो जॉम्बी उसको उठा के उनके मालिक के पास ही ले जाते हैं जिसको अभी तक मरने वालों ने नहीं देखा है। अब तुम यहाँ से जल्दी निकलो अपने दोस्त को लेकर, क्योंकि अब जॉम्बीज आने ही वाले होंगे। ऐसा बोलकर बाबा अपनी कुटिया में चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि वो जॉम्बीज इसीलिए जंगल में आए थे, वो समझ जाते हैं कि बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गुल्ली और बुल्ली जीप तक जाने ही लगे थे तभी जॉम्बीज जीप के आसपास आ जाते हैं और शौन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सब देख शौन डर के मारे बेहोश हो जाता है, जॉम्बीज जीप को ही चलाकर ले जाते हैं। जैसे ही जॉम्बीज थोड़ा आगे तक पहुंच जाते हैं, गुल्ली बुल्ली जीप की तरफ शौन को बचाने जाने लगते हैं। तभी लंगोट बाबा पीछे से बोलते हैं कि ले जाने दो, वो जॉम्बी शौन को उनके मालिक के पास ही लेकर जाएंगे और तुम उनका पीछा कर लेना। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली वहीं रुक जाते हैं। लंगोट बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं कि तुम ये मेरा बैटरी वाला स्कूटर ले लो, क्योंकि जॉम्बीज का पीछा करते वक्त यह आवाज़ नहीं करेगा और मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। तभी तीनों स्कूटर में बैठ जाते हैं और स्कूटर गुल्ली चलाता है, बाबा और गुल्ली के बीच में बुल्ली बैठता है और बाबा पीछे खड़े हो जाते हैं। जॉम्बीज जीप को बहुत स्पीड से चलाते हैं और जंगल वाले रास्ते में आ जाते हैं और शौन जीप में बेहोश लेटा रहता है। जॉम्बीज ज़्यादा तेज थे तो गुल्ली बुल्ली और बाबा को वो थोड़ी देर बाद दिखाई नहीं पड़ते हैं और जंगल में थोड़ा आगे जाते ही दो रास्ते दिखते हैं। तभी गुल्ली कहता है, बाबा अब किस रास्ते पर जाए और जॉम्बीज किस रास्ते में गए होंगे। तभी बाबा बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता वो किस रास्ते पर गए होंगे। तभी गुल्ली बोलता है, ऐसा करो गुल्ली तुम ये दाएँ वाले रास्ते में ले लो, मुझे लगता है वो उसी रास्ते पर गए होंगे। गुल्ली दाएँ वाले रास्ते पर स्कूटर ले लेता है पर उन्हें उस रास्ते में कोई जॉम्बीज नहीं दिखाई पड़ता। तभी अचानक गुल्ली बुल्ली और बाबा स्कूटर के साथ एक बड़े से खड्डे में गिर जाते हैं। तीनों खड्डे के अंदर इधर उधर गिर जाते हैं और बिखर जाते हैं। बाबा उठते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को स्कूटर भी चलाना नहीं आता। गुल्ली कहता है, बाबा ऐसी बात नहीं है, चलाने को मैं कुछ भी चला सकता हूँ, पर इस गड्ढे का पता नहीं चला क्योंकि वो झाड़ियों से छिपा हुआ था। बुल्ली कहता है, ये बातें छोड़ो और ये सोचो यहाँ से बाहर कैसे जाएं, क्योंकि इस खड्डे से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी बाबा चारों तरफ देखते हैं और उनको एक गुफा जैसा दिखाई पड़ता है और वो कहते हैं कि आओ मेरे पीछे। गुल्ली बुल्ली बाबा के पीछे चलते हैं। उस गुफा में बहुत अंधेरा था, गुल्ली बुल्ली और बाबा को जॉम्बीज की आवाज़ें आने लगती हैं। तीनों थोड़ा घबरा जाते हैं पर आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उनको सामने खंडर दिखता है, वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी
और वहाँ दो जॉम्बिस एक किताब के आसपास घूम रहे थे। आखिर उस किताब में ऐसा क्या था जिसकी रक्षा दो जॉम्बिस कर रहे थे? आगे की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें।